गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट थी, ठीक है, मींस मैगी के बारे में बात करेंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मैगी इज सेफ टू ईट, क्या मैगी खाना सेफ है? तो अगर आपको पता ना हो तो 2014 में मैगी को बैन कर दिया गया था। तो क्या रीजन था मैगी को बैन करने का और अब क्या इस वक्त पे मैगी को खाना सेफ है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, वीडियो को लाइक और मैक्सिमम लोगों के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके मैगी का सच। तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैगी को बैन किया क्यों गया था, राइट? तो देखिए हुआ क्या था कि फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मार्च 2014 में किसी भी रैंडम स्टोर से मैगी के 13 सैंपल्स उठाए थे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसमें से 13 सैंपल्स में से 10 मैगी के सैंपल में दो केमिकल्स की अमाउंट्स बहुत ही ज्यादा पाई गई थी, जिसमें से पहला केमिकल था MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट देखिए जानिए कि होता क्या है। सबसे पहले एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके फूड में टेस्ट मेकर मींस आप खाने के टेस्ट को बढ़ाता है। ये काफी सारे फूड में एक्चुअली जैसे टोमेटो हो गया, काफी सारे फूड में ये ऑलरेडी होता है, लेकिन मैगी में इसको बाहर से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेनली अगर इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा कर दिया जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स लेकर आता है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज और न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उस मैगी में उस वक्त में जब ये लैब में टेस्ट की गई तो उसमें MSG का अमाउंट बहुत ही हाइयर था, ठीक है। एंड सेकेंड जो अमाउंट था वो था लेड का अमाउंट, मीन्स लेड का जो अमाउंट था वो बहुत ही परमिसिबल था, मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। एक्चुअल में हमारी बॉडी में लेड का जो अमाउंट होता है, परमिसिबल अमाउंट होता है, वो होता है 2.5 मिलियन। लेकिन उस वक्त पे जब लैब में टेस्ट किया गया मैगी को तो उसका अमाउंट मिला 17 ppm, जो कि आप देख रहे हैं 4 गुना से भी ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा है कि हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत सारी चीजें, मीन्स एनीमिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बहुत ज्यादा सीवियर लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे थे बच्चों को, और काफी सारी और भी सीवियर प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं। और उस वक्त पे आप सोचिए कि आपकी बॉडी को कितना नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से जब वो रैंडम टेस्ट किया गया तो इसको बैन कर दिया गया था। और ये जो मैगी आई थिंक इस कंपनी को बनाता है, नेस्ले कंपनी जो है वो मैगी को बनाती है। ये नेस्ले कंपनी, क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसा फूड है जो कि बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो सकता है और हम सब लोग इसको प्रेफर करते हैं बनाना। इवन हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो इसको इतनी जल्दी बनने, क्योंकि इतनी जल्दी बन जाता है तो इसको बनाना सब लोग प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैगी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो उस वक्त क्या हुआ, इसको बहुत सारे इसके ऊपर केस लड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया गया था उस वक्त पे। देन एक नोटिस आया था 2015 के अगस्त 2015 में, जिसमें नेस्ले कंपनी ने एक उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनको बोला गया था कि आप इस मैगी के अंदर कोई भी MSG को ऐड नहीं करोगे, ठीक है, और लेड का इस्तेमाल भी आप किसी भी फॉर्म में या किसी भी स्टेज पे आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या वो केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट अभी भी नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब सेफ होनी चाहिए? तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो कंपनीज है, मीन्स जो नेस्ले कंपनी है, वो एक्चुअल में डायरेक्टली MSG का इस्तेमाल नहीं कर रही है। आई अग्री, ठीक है, MSG का इस्तेमाल मैगी में नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि वो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मीन MSG का जो इस्तेमाल वो डायरेक्टली करते थे, अब वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। करते क्या है वो, कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट को वो डाइसोडियम ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे फूड के अंदर काफी सारे ग्लूटामिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टोमेटो के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं,
और बाकी जो फूड होते हैं हमारे पास उसमें ग्लूटामिक एसिड के बहुत सारे अदर सोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब डाई सोडियम ग्लूटामेट फूड में मिलाया जाता है तो वो बाकी फूड के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूटामिक एसिड के सोर्सेज या ग्लूटामिक एसिड होता है वो उसके साथ कंबाइन करके वापस से MSG में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्टली नहीं खा रहे उन सब चीजों को, लेकिन इनडायरेक्टली जब आपकी बॉडी में वो जा रहा है तो वो MSG की फॉर्म में ही जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो आई प्रेफर कि ये आप देखिए, एक चीज मैं आपको और भी बता देती हूँ कि MSG एक केमिस्ट्री का वर्ड है, क्योंकि हम इसको केमिकल भाषा में MSG ही बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम घरों में इस टर्म को जानते भी होंगे जिसको आप अजीनोमोटो बोलते हो, और मैक्सिमम लोग इस टर्म को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और यूज भी करते हैं घरों में। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा, दैट इज माई पर्सनल सजेशन, कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। और मैगी, सीधी सी बात है कि मैगी सेफ नहीं है, तो कंक्लूजन यही है कि मैगी सेफ नहीं है, क्योंकि आप MSG को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ले रहे हो बॉडी के अंदर, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाद में, अभी आपको स्टेजेस में मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको इसका बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता देती हूँ कि गर्ल्स में पहले जो प्यूबर्टी थी, प्यूबर्टी एज होती थी 16 to 18 ईयर्स, आप सबको मालूम होगा, और अभी जो एज है गर्ल्स की प्यूबर्टी की वो होती है 10 to 12 ईयर्स। ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा नुकसान दे रही है हमें मैगी। तो आई विल प्रेफर कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, बट जब से ये जाना है तब से यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, प्लीज़ मैगी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी आप मेरे कहने पे मैगी को छोड़ दीजिए, बट मैं आपको यही कहूँगी कि मैगी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको लेटर स्टेजेस में पता लगेगा कि ये आपके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो यही था आज का वीडियो, और ये एक लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस जो है, फैलाइए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और सबको इस बात से आगाह कीजिए कि मैगी सेफ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना।